अभी आपको पता है पीछे बाढ़ आया था, अपना बिहार में बाढ़ आया था, नेपाल में बाढ़ आया था, वायनाड में बाढ़ आया था, गुजरात में बाढ़ आया था, तो ये कोई संयोग भर नहीं है, ये सच्चाई है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये 55 डिग्री अपने आप में ये संकेत करता है कि ये कई लाखों सालों का सबसे गर्म तापमान है अभी तक का। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम कम करेंगे, पटाखों जैसी चीज़ों को हम कम करेंगे, शायद इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि हमारा प्रकृति बचा रहेगा। दीप दान करें सभी को और पटाखों से आप दूर रहें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से जन चेतना अभियान से और क्लाइमेट की बात की जा रही है, से अर्थ की बात किया जा रहा है, और ये देख सकते हैं ये अहमदाबाद टू दिल्ली, और ये दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये अहमदाबाद से चलकर दिल्ली पहुंच गए। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम करण वर्मा है और मैंने अपना ये एक अभियान शुरू किया है जो कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम से 2 तारीख को मैंने शुरू किया है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्लाइमेट को लेके है, जो इतना आज गर्मी बढ़ रहा है और हमारे आज द्वीप जो डूब रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये मैं अभियान। अभी मैं आपसे जानने की ये कोशिश करूँगा कि जो ये अहमदाबाद टू न्यू दिल्ली की जो आपने लिखवा रखा है, क्या आपने ये पैदल मार्च किया या गाड़ी का उपयोग किया? जी, मैंने ये पैदल मार्च किया है और मैं अभी 25 दिन के अंदर दिल्ली पहुँचा हूँ, जिसका उद्देश्य ये था कि मैं सबको बीच में जो भी लोग मुझे मिले, स्कूल मिले, कॉलेज मिले, तो मैंने सबको इसके बारे में बताया कि आज हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, इतनी गर्मी से हम जूझ रहे हैं, इसको रोकना आज बहुत ज़रूरी है और ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और ये रहेगा। तो मैंने जितना हो सका लोगों से मैंने आह्वान किया, जितना हो सके आप ग्रीन क्रैकर्स इस्तेमाल करें, तो शायद हो सके तो ना ही करें तो वो बेटर रहेगा। आपको कब लगा कि ये जो हमारा पर्यावरण है, इन्वायरमेंट जो है, ये दूषित हो रहा है, इसे जो मानव जातियाँ हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जी, सबको काफ़ी परेशानियाँ का सामना उठाने पड़ रहे हैं, कितने हो रही हैं, जी। तो आपके दिमाग में ऐसा कब आया कि इन्वायरमेंट सेव अर्थ को लेकर आपको ये मुहिम चलाना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये अभी पिछले साल क्या हुआ कि मेरे जब गर्मी पिछले साल जो हुआ था, तो मुझे इसके बारे में कुछ समय पहले पता चला कि भाई ये गर्मी जो हो रहा है, कई लाखों सालों का सबसे गर्म जो साल रहे हैं ये वो है। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो दरअसल मुझे हुआ ये था कि मेरे दिमाग पे उस चीज़ का असर हो गया था, जिसकी वजह से मेरे माइंड ने काम करना छोड़ दिया था उस समय। तो मुझे ये लगा था कि ये जो समस्या है या गर्मी की समस्या है, ये बहुत अपने आप में बहुत विकराल समस्या है, तो इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा था। तो मुझे लगा ऐसा कदम शायद हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंट को लेकर तो सरकारें भी समय समय पर तमाम काम करती हैं। ये दरअसल कार्बन के कारण ये गर्मी हो रहा है। जितना कार्बन बढ़ेगा उतना गर्मी का लेवल स्तर बढ़ता रहेगा, जितना गर्मी बढ़ेगा उतना हमारा ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, जितना ग्लेशियर मेल्ट होगा उतना बाढ़ आएगा। तो अभी आपको पता है पीछे बाढ़ आया था, अपना बिहार में बाढ़ आया था, नेपाल में बाढ़ आया था, वायनाड में बाढ़ आया था, गुजरात में बाढ़ आया था, तो ये कोई संयोग भर नहीं है, ये सच्चाई है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि सरकार तो करे ही करे, लेकिन साथ में हमारे जो जनता है, हम सब जनता मिलके करेंगे तो जल्दी वो सब प्रभावी होगा और हमारा जो भविष्य है या खुद स्वयं जो सबका भविष्य है वो बचाया जा सकेगा। ये जो प्राकृतिक आपदा आ रही है, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। जी। मैं आपसे जानने की ये कोशिश करूँगा कि जो आपने सेव अर्थ की जो बात करी है, तो आप इन्वायरमेंट बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि कार्बन को आप कम करिए, जो कार्बन जो एमिट हो रहा है उसको आप कम करें। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अब गाड़ी भी है इससे कार्बन हो रहा है, बाइक मेरे पीछे खड़ी है उनसे भी कार्बन हो रहा है, लेकिन हम इनको रोक नहीं सकते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन हम इनका कम इस्तेमाल करें, साइकिल इस्तेमाल करें तो कार्बन कम होगा, लेकिन जब हम बिल्कुल अत्यधिक इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कार्बन का स्तर तो बढ़ेगा ही और हमारा जो कार्बन एमिशन जो होगा वो बिल्कुल हाई रहेगा। अब जैसे मैंने ये आपको दिख ही रहा है अवॉइड क्रैकर्स को लेके किया है, तो ये क्रैकर्स जो है हम इसको कम कर सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए आप या तो ग्रीन क्रैकर इस्तेमाल करिए, या हो सके तो आप ना करें तो वो अच्छा है, इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। लेकिन देखिए, हम गाड़ी को तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये मनोरंजन की चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इसको रोकना चाहें मिलके सब, हम थोड़ा थोड़ा सबका अगर योगदान रहेगा तो हम, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट दुनिया पे पड़ेगा, हमारे क्लाइमेट पड़ेगा और हमारी जो फसलें आज ख़राब हो रही जिसके कारण सब एनवायरनमेंट बदल रहा है, गलत टाइम पे बारिश हो रहा है, ये सब रुकेगा। तो बस मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप मैं एक सवाल जी जिस तरह से देखा जाए तो लगातार कुछ दिनों से, कुछ समय से जी सबसे अगर बात किया जाए प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा जी आपदा
आपदा की अगर बात की जाए तो दो ही आपदा होती है, जी मानवीय आपदा होती है जो आपने ये बताया कि ये जो कार्बन जी 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 ये गाड़ी से निकल रही है, ये मानवीय आपदा के रूप निर्धारण कर रही है। एक प्राकृतिक आपदा के आपने जिक्र किया जैसे बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदा है। तो मेरा सवाल आप ये है कि ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है या फिर ऐसे? देखिए जैसे अभी आपने बताया मानवीय और आपदा है और एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल बिल्कुल आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब मानवीय आपदा आज हो रही है। क्योंकि इतना जब आप टेम्परेचर उठा लीजिए, अभी जो टेम्परेचर है 55 डिग्री के आसपास वो जा चुका है इस समय, अगर आप दिल्ली को लेते हैं, राजस्थान को लेते हैं, तो ये 55 डिग्री अपने आप में ये संकेत करता है कि ये कई लाखों सालों का सबसे गर्म तापमान है अभी तक का। तो इसी से आप इस चीज़ का अनुमान लगाएंगे कि भाई अगर 55 डिग्री 53 डिग्री हो रहा है, जो कभी लाखों सालों में कभी नोटिस नहीं किया गया, तो आप इसी से अनुमान लगाइए कि हमारी प्रकृति के साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए मैं उसके पीछे तो वजह क्या बताऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हम कम करेंगे, पटाखों जैसी चीज़ों को हम कम करेंगे, शायद इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि हमारा प्रकृति बचा रहेगा। सरकार को करना तो ये चाहिए कि इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन है उसी को शायद बंद करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ रुक पाए। तो आपको लग रहा है आपने ये अपने पोस्टर में पटाखे का भी जिक्र कर रखा है? जी जी जी, तो पटाखे से ही आपका एक क्वेश्चन रहेगा जी, जो पटाखे कंपनियां बना रही हैं सरकार उस पर क्यों नहीं रोक लगा रही? देखिए वो अभी बोलने को तो वो बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है, पैसा हमारा निकल रहा है, तो हम पैसा विकास पे लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना है जब इंसान ही नहीं रहेंगे, बाढ़ ही जब आ जाएगी, सभी फसलों का नुकसान जब हो जाएगा, गर्मी जब बढ़ जाएगी, तो ऐसे विकास करेंगे क्या? आपके पोस्टर में साफ साफ दिख रहा है एक तरफ सूखा है जिसमें दरारें फटी हुई, जी जी जी, तो दूसरी तरफ थोड़ा बहुत हरा भरा दिख रहा है, जी क्या संकेत कर रहा है? ये संकेत ये करता है कि आप पेड़ भी लगा लेंगे बहुत सारे, यदि आप कार्बन को कम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पेड़ उसको सोखने में भी असक्षम साबित होंगे। तो आप हो सके तो कार्बन को आप कम करिए और पेड़ जितने हो सके पेड़ लगाइए। आप हमारे चैनल के माध्यम से देश को क्या संदेश? देखिए आपके चैनल से माध्यम से संदेश यही देना चाहूँगा, सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, और मैं बस ये सबसे आग्रह करूँगा कि आप जितना हो सके पटाखों से दूर रहें, या हो सके कम से कम पटाखे इस्तेमाल करें, ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करें, और अपना अच्छे से त्यौहार बनाएं। इससे बहुत सारा नुकसान आज हो रहा है, इसको मैं ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ आज आपसे बात, कि हमारी प्रकृति को हमारे त्योहारों से नुकसान ना हो, बस मेरा यही सभी से संग। लेकिन मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा, आप जो दीपावली की बात कर रहे हैं, एक दिन दीपदान उत्सव होता है, अगर बुद्ध को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ है, जी जी जी, तो जाहिर सी बात है कि आप जो ये मुहिम चला रहे हैं एनवायरमेंट बचाने की जो बात कर रहे हैं, लोग शायद समझ सकें। जी जी जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं, दीपदान उत्सव की, जी जी जी, और आज ही के दिन तथागत, जी दीपदान उत्सव के दिन ही तथागत बुद्ध जी प्राप्त हुआ था। जैसे अभी आप सबको पता है कि हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी जो थे, उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जितना हो सके आप अपने दीप दान करें सभी को, और पटाखों से आप दूर रहें ताकि भविष्य भी और बच्चे भी सुरक्षित रहें, इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।